अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। तो आज हम आए हैं इधर, यानी कि कॉलेज के ग्राउंड में जो है ना, हमारा ग्राउंड था, वहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है, इधर हार्ड बॉल का मैच है। तो लड़के जो है ना, पूरा जुमा भी है, छुट्टी भी है, कुछ लोग अपने कारोबार से भी छुट्टी करते हैं, कुछ तालीमी इदारे भी बंद होने की वजह से सब लड़के जो है ना वो क्रिकेट के इस मैदान में, ये आपको पिच का अंदाज़ा भी लगवाते हैं, ये देखें हार्ड बॉल की पिच बनी हुई है, यहाँ पर भी जाल लगा के जो है ना ट्रेनिंग की जाती है। तो ये वाला ग्राउंड भी माशाल्लाह कॉलेज के अंडर में ही आता है, उसके साथ ही जो है ना वो वाटर बक्स है। वाटर बक्स यानी कि जो है ना कि शहर का जो इतना भी पानी जो आता है वो यहाँ पे आके तकतीर हो गई, साथ ही फसलें हैं, फसलों का लगता है, साथ ही जो है ना इसके कब्रस्तान है। ये देखो बॉलिंग हो रही है, और ये वाली एल बी लगता है, एल बी लगता हो गया, नो 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 बच गया है वो, अभी तक जो है ना वो आउट नहीं हुआ। मैंने तो समझा था कि शायद एल बी जो है ना वो एल बी डब्ल्यू आउट हो गया है। और ये हमारे दोस्त हैं जी, मुस्तफा साहब जो है ना, ये माशाल्लाह हमारे पास, क्या हाल है? ठीक है भाई। और सुनाए, तबीयत कैसी है? सब खैर है। ये बैक भी आप क्रिकेट देख रहे हैं जी, तो क्रिकेट के बारे में कितना शौक रखते हैं? ये इसने हिट की है, मगर हिटर इतनी ज़ोरदार जो नहीं थी, वो तकरीबन सिंगल ही लेने के काबिल बनी है, कोई शानदार हिट नहीं लगा सके ये समझे हैं। और ये देखे जी हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये पता नहीं क्या है, कैमरे के आगे आते हैं लोग जो है ना वो बहुत हंस रहे होते हैं। और सुनाए मुस्तफा भाई, क्या ठीक है भाई? आजकल आप नहीं बना रहे फिल्म मुर्गियों की? यार मुर्गियों दी वीडियो देखा, ये व्यूवर्स इन्होंने भी हमें सवाल कर दिया कि वीडियो जो है ना आप मुर्गियों के बारे में क्यों नहीं बना रहे? मुर्गियों के बारे में क्या वीडियो बनाई यार, जो हम तो हसद की शिकार हो गए हैं। हालांकि मेरे पास तो इतनी भी मुर्गियाँ, इतनी ख़ास भी मुर्गियाँ नहीं थी, आपने व्यूवर्स मेरे एक्स वीडियो में देखी होंगी, इतनी ख़ास मुर्गियाँ नहीं थी, वो कोई सील थी, कोई मिक्स थी, यानी कि मिश्री थी, वो दूसरा देसी थी। मैंने शौक रखा था अपने बच्चे को राज़ी रखने के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है अल्लाह के फजल करम से, तो उसका शौक था कि चलो उसकी एक तो तफरी होती रहेगी, साथ में जो है ना वो बैठा तो छुट्टी का टाइम उसका गुजर जाया करेगा। वो मैंने तो इसलिए रखी थी, मगर उसको ये वाली सर्दी जो आई है ना, इस सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है ना कुछ मुर्गियाँ बढ़ा दी थी कि चलो सर्दियों में जो है ना कुछ अंडे खाएंगे, कुछ अंडे जो है ना अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट करेंगे। मगर हुआ क्या, इतनी बद नसीबी हमारी है ना कि अब जो सर्दी है ये 2 माह हो गए, कसम से एक अंडा हमारे हाथ नहीं लगा, इतनी गंदी नज़र और गंदी हसद से हम जो है ना मारे गए हैं। एक ही औरत आई है, उसने बड़े फख्र से हमें आकर ये कहा कि आपकी मुर्गियाँ जो है ना वो बहुत कहाँ कहाँ करती हैं, हैं मुस्तफा नज़र लग गई आप। उन्हें उसताद जी सानू एक गल की कि ताड़ियाँ मुर्गियाँ बड़ियाँ कहाँ कहाँ कर दी, लगता ताड़े घर अंडे की लहर पैर होगी। और यकीन करो कसम से उसके बाद जो है ना, अंडा तो बहुत दूर की बात, खाना बहुत दूर की बात, देखना नसीब में नहीं आया, वो खुद ही उनको इतनी गंदी नज़र लग गई। तो आप कुछ मुर्गियाँ तो मैंने सेल कर दी हैं, कुछ आज मैं जो है ना बच्चों के लिए, मैं चलो अंडे नहीं तो चलो ज़िबा ही करो, कुछ बेच आया हूँ, कुछ हैं अभी तक, देखें उनके साथ हमारा क्या जो है ना प्यार चलता है। आप शर्मा क्यों रहे हो? सवाल किया तो जवाब तो लो ना, हैं इतनी गंदी यार। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मुसलमान होने के नाते ये वाली आदत अपने आप में जो है ना ख़त्म करो। अल्लाह के बंदो, अगर किसी को दाल खाते भी देख रहे हो ना, गोश्त खाते भी देख रहे हो, तो कम अज़ कम इतना सोचो कि इसको तो अल्लाह ने दिया है, आपकी पॉकेट से तो वह नहीं ना खा रहा। ये कौन सी आदत होगी कि दिल पकड़ के बैठना, हाय मां मर गया, ये दे घर अंडे आ गए, ये दे घर जी मुर्गियाँ आ गई। यार ये वाली बहुत ही बुरी आदत है। अल्लाह के बंदे, उस रब से मांगो जो सबको देता है। अगर आप ये वाली आदत अपनाओगे ना कि इसके घर में गोश्त पका है, मेरे घर में दाल पकी है, अल्लाह के बंदे तो उस पर शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुम्हें वो दिया तो है ना, क्या समझे? अल्लाह तो दे रहा है ना, जो जिसके काबिल इंसान है अल्लाह ताला उसको वो अता कर रहा है। आप उसकी इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें, और जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। शुक्र करने से इंसान का जो है ना रिज़्क बढ़ता है, हसद करने से जो है ना वो रिज़्क नहीं बढ़ता। अल्लाह के बंदे, इसमें कौन सी खुशी की बात है कि जी आपने जी
ओहो, इतने अंडे आ जाएंगे, इतने अंडे आ जाएंगे, कसम से एक अंडा नहीं मिला हमें, सारी मुर्गियां खा जाती है खुद ही, उन्हें इतनी आदत पड़ गई है। तो व्यूवर्स, जो मेरे व्यूवर्स वीडियो ये देख रहे हैं ना, इस वीडियो को सदका जारिया के लिए जो है ना शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन लोगों को ये सबक मिल सके जो अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों अहबारों से हसद करते हैं। खुदा रा इस आदत को जो है ना वो छोड़ो, इस आदत का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भी नुकसान करती है दूसरे। यहाँ पे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई कि जो नज़र होती है ना, नज़र इंसान को जो है ना कब्र में और ऊँट को हड्डियाँ में ले जाती है। तो खुदा रा यार, दूसरों का माल देख कर जो है ना माशाल्लाह तो कहा करो और बरकत की दुआ किया करो। खुदा की कसम, अगर आप दूसरों को जो है ना बरकत की दुआ दोगे तो आपके रिज़्क में उससे भी ज़्यादा बरकत मिलेगी आपको। तो भी बस यूँ है ना ये वाली आदत। खुदा रा अगर आपको मेरे से कोई गलती है, कोई कुताही है, तो मैं खुदा रा लाइव आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। खुदा रा मेरे साथ किस बात का असर कर रहे हो आप लोग? मेरे पास तो बिल्कुल सादा सी मुर्गी हैं, दो तीन हैं, वो तो मैंने अपने बच्चे को राज़ी करने के लिए रखी थी, तो उनका भी पट्ठा बैठा दिया आपने कि अंडे आएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं यार। यार खुदा रा कोई ऐसी बात नहीं है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना ही आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा। तो व्यूवर्स जो है ना, उम्मीद है कि अगर किसी भी यहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँचे उनमें अगर ये आदत है, तो वो ये अपना मेरा एक पैगाम ले लें। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को, इस पैगाम को पहुँचाने की खातिर जो है ना ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ताकि अगर वो ये आदत उनमें है तो ये आदत ख़त्म करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ुद शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जो अता किया उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उसको जो है ना ये समझें कि ये मेरे नसीब में नहीं था, अल्लाह अता करेगा। अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तवक्कल करनी चाहिए। उम्मीद तो कहते हैं, उम्मीद वो चीज़ होती है जिसमें इंसान को नफ़ी मिल सकती है, कि आस होती है। तवक्कल क्या होता है? यकीन होता है। और वो तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पर रखना चाहिए। आज किसी की खातिर जो है ना आप बुरा सोचोगे तो वो बुरा उसके लिए नहीं होगा, अपने लिए ही बनेगा। तो व्यूअर्स जो है ना ये वाली आदत छोड़ें, खुदा रा हसर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके सामने बैठा कोई खा पी रहा है ना, या कोई खुश है, तो उसको देख के जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये नए प्लेयर भी आ गए हैं, ये भी हम आपको जो है ना इनका विज़िट करवा दें। तो ये देखें, ये जाल लगा हुआ है इनके, ध्यान देने वास्ते जी साढ़े कैमरे के बेच ना मार दई हो। और भी बस उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ताला मिकाइल अली व्लॉगर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मिकाइल अली व्लॉगर को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैच अभी तक जो है ना वो जारी है, और ये नए जो है ना अफ्रीका के प्लेयर आ गए हैं इधर, मिनी यानी अंडर 20 जो है ना ये आ गए हैं, ये खेल रहे हैं। तो इधर जो है ना मेन मैच हो रहा है, तो इनसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, लगता पहले ही फुल जूम है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।